नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भाजपा नेता अर्पणा यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि आतिशी सीएम तो बन गई है, लेकिन लगता नहीं है कि वह कुछ अच्छा काम कर पाएंगी। अपर्णा यादव का कहना है कि एक महिला होने के नाते मैं उन्हें बधाई देती हूं, लेकिन दिल्ली के चुनाव में बहुत कम समय बचा है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री रही आतिशी को लेकर अपर्णा यादव का कहना है कि जिस प्रकार का जल मंत्री के पद पर उनका कार्यकाल रहा है, यमुना नदी का क्या हाल हुआ, यह पूरे देश से नहीं छुपा हुआ है, तो यह चीफ मिनिस्टर क्या ही करेगी, यह तो समय ही बताएगा। अपर्णा यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता जल्द ही निर्णय करे कि आने वाले चुनाव में कि वह सत्ता किसको देना चाहती है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में बुरा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस ने आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष का पर कतर दिया है। पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी की जगह शुभंकर सरकार को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनाव में खुद अधीर रंजन चौधरी हार गए थे, वह बहरामपुर से चुनाव मैदान में थे। राज्य में कांग्रेस को केवल एक सीट मिली है, मालदा दक्षिण लोकसभा सीट से ईशा खान चौधरी को जीत मिली है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी में अभी से लग गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने धर्म और जाति की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। गडकरी ने कहा कि वह पिछले कई सालों से राजनीति कर रहे हैं और वह सिर्फ समाज सेवा करते हैं, राजनीति में वह कभी भी अपने विचारों से समझौता नहीं करते। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग मुझसे मिलने आए थे, मैंने खुलकर कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति या धर्म से महान नहीं होता, व्यक्ति अपने गुणों से महान होता है। गडकरी ने कहा कि हमारे संतों ने हमें सिखाया है कि समाज से जाति धर्म ऊंच नीच के आधार पर सभी भेदभाव समाप्त होने चाहिए और सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित होनी चाहिए, इसलिए मैं किसी के दबाव में नहीं आता, सभी का कल्याण होना चाहिए, लेकिन चुनाव के दौरान जाति की बात नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस को शैलजा संकट से गुजरना पड़ रहा है। शैलजा हफ्ते भर से पार्टी के प्रचार से दूर है, घर पर अपने समर्थकों से मिल तो रही है लेकिन क्षेत्र में नहीं जा रही है। दलित वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां उन पर डोरे डाल रही है। 13 सितंबर को कुमारी शैलजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह वीडियो पोस्ट किया था। हफ्ते भर से ज्यादा होने को है लेकिन इसके बाद हरियाणा के प्रचार के लिए शैलजा ना तो सोशल मीडिया पर सक्रिय है और ना ही सड़क पर है। इधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अब दलित बेटी शैलजा का सम्मान नहीं कर पाई तो प्रदेश के बाकी दलितों का क्या करेगी। शैलजा की नाराजगी की खबर हरियाणा की चुनावी सियासत में सनसनी बनी हुई है। अभी दो दिन पहले बीजेपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर वार किया था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार 19 सितंबर 2024 को संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने इसके जरिए 20 बड़े वादे किए हैं जो कि राज्य में चुनावी गेम को पलटने में उनकी मदद कर सकते हैं। मैनिफेस्टो के पहले पेज पर पीएम मोदी के साथ हरियाणा सीएम नायब सिंह सोनी के फोटो हैं, जबकि पार्टी चीफ जेपी नड्डा और हरियाणा बीजेपी चीफ मोहनलाल पडोली के तस्वीर भी दी गई है। बीजेपी के संकल्प पत्र में पहला वादा महिलाओं से जुड़ा हुआ, चौथा किसानों से संबंधित, पांचवा और छठवां युवाओं से जुड़ा है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि पार्टी घोषणा पत्र की हरियाणा बीजेपी का संकल्प है। भाजपा सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके सामने आएगी तब संकल्प पत्र में किए गए सारे वादे को पूरे करके आएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े, हालांकि उनकी यह चाहत सपना ही रह गई। अरविंद केजरीवाल की आपके साथ कांग्रेस के गठबंधन ना हो पाने के पीछे जो अहम कारण रहे उनमें से एक साक्षात पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे। सियासी गलियारों में इस बात की खूब चर्चा रही कि वही विलेन बने और उन्हीं के चलते प्रदेश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं आ सकी। गुरुवार 19 सितंबर 2024 को जब इस बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल का बेकाबी से जवाब दिया। रूस से लगातार खतरनाक होती जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वलादिमीर ज़ेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए रविवार को अमेरिका पहुंचे,
जेलेंस्की रूस के साथ 2.5 साल के युद्ध को समाप्त करने के लिए विक्ट्री प्लान लेकर अमेरिका पहुंचे हैं। एएफपी की रिपोर्ट है कि इस योजना को जेलेंस्की राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश करेंगे। फरवरी 2022 से चल रहे इस भीषण युद्ध में लाखों जान जा चुकी है और अरबों की संपदा खाक हो चुकी है। बीते कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने रूस के कुरस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ रूस भी पूर्वी यूक्रेन में तेजी से बढ़त हासिल कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से राहत भरी खबर सामने आई है। यूएई के तरफ से कहा गया है कि वह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा पुलिस और चुनाव सुधारों के लिए उठाए गए कदमों का समर्थन करेगा। बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख गुएन लुइस ने यहाँ के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की। दोनों के बीच में सुधार, भ्रष्टाचार, बाढ़, रोहिंग्या संकट और जुलाई अगस्त के दौरान हुई हिंसा के विषय में चर्चा हुई। अमेरिका में व्यक्तिगत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर है कि ट्रंप का कहना है कि अगर वह इस चुनाव में हार का सामना करते हैं तो इसके बाद वह अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार ट्रंप का सामना मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस से है, जो बाइडेन पहले ही रेस से अपना नाम वापस ले चुके हैं। राइटर्स से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अगर वह 5 नवंबर का चुनाव हारते हैं तो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान जब ट्रंप से सवाल किया गया कि अगर इस बार वह हारते हैं तो चौथी बार चुनावी रेस में शामिल होंगे या नहीं, इस पर उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अब नहीं। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में पीपीएल पार्टी के 55 वर्षीय नेता अनुरा कुमार दिसानकाये को चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। दिसानकाये ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि यह जीत हम सबकी है। पिछले सालों में आर्थिक रूप से चुनौती और फिर राजनीतिक रूप से अस्त व्यस्त हो जाने के बाद श्रीलंका का यह पहला चुनाव था। सरकार के खिलाफ आंदोलन में दिसानकाये ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें जनता के सभी समर्थन का फल मिला, क्योंकि पिछले चुनाव में दिसानकाये की पार्टी को केवल 3% वोट मिले थे। इन्हें चीन का समर्थक माना जाता है। फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। सुखी संसाराला हवं असतं हक्काचं एक घर, कुटुंबाला सुरक्षा आणि मायेची ऊब देणारं, आयुष्यात आनंदाचे रंग भरणार, प्रत्येकाचं हे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार हातात हात घालून कार्यरत आहेत। ग्रामीण भागातील बेघर अथवा कच्चे घर असलेल्या लाखो कुटुंबांना हक्काचं पक्क घर बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो आहे। त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेसह रमाई, शबरी, पारधी, आदिम, अटल बांधकाम, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, पीएम जनमन व यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना या योजनांबरोबरच अमृत महाआवास अभियान देखील राबवले जात आहे। गोरगरिबांना घरासाठी स्वतःची जमीन घेण्यासाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतून सहाय्य दिले जात आहे। शासनाने आजवर 7 लाखांहून अधिक घरे बांधलेली असून लवकरच 10 लाख घरे पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे। ग्रामीण गृहनिर्माण योजना, महाआवास अभियान, निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन।